So this is our lecture number 2 of the topic dual nature of radiation and matter. Okay, so in last video we have learned about work function and the photoelectric effect and the experiment related to it. So we will continue that lecture. And अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो को आप देख ले, तभी ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएगा. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाए थे उसको फिर से बनाते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे अपन समझेंगे कुछ और ग्राफ जो कि आपका एनसीईआरटी में है और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स है. तो होप आपको ये सेटअप याद होगा जिसमें एक ग्लास ट्यूब होता था जो एक ऑसिलेटर से कनेक्टेड होता था वोल्टेज सोर्स से, ये विंडो होता था जिससे लाइट फॉल करता था रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता था, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता था, एक फोटो करेंट बनता था. तो लास्ट में हमने कहाँ ख़त्म करा था कि हमने ये देखा कि इंटेंसिटी और फोटो करेंट, दिस इज फोटो करेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक. तो हम जितना इंटेंसिटी लाइट को बढ़ाते थे उतना ज़्यादा फोटो करेंट बनता था. ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए अपन समझेंगे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को, एक एक करके चार पांच टर्म्स से जिसको समझते चलेंगे और उससे रिलेटेड ग्राफ भी समझेंगे. स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी को रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल. तो फिर से इस एक्सपेरिमेंट में चलते हैं. इसमें हमने क्या करा था कि लाइट की कुछ इंटेंसिटी होती थी. ठीक है, जिस इंटेंसिटी का लाइट यहाँ पे फॉल करता था, एक मिनट में बताता हूँ आपको, इस विंडो से इंसिडेंट का रेडिएशन होता था. हम क्या करते, इन दोनों प्लेट को, इसको बोलते थे इमिटर प्लेट, ये मेटालिक प्लेट होता था और ये कलेक्टर प्लेट होता था. सपोज इसको इमिटर और इसको कलेक्टर प्लेट बोलते. तो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में जो था इसको हमने करा था नेगेटिवली चार्ज और इसको पॉजिटिवली चार्ज. अब सपोज कि हम क्या करते हैं कि इसको नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ठीक है, अब ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया इस प्लेट का और इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल. तो इस एक्सपेरिमेंट में अब क्या होगा, तो अब जैसा कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और बाहर आने के बाद जैसा ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद उसे जाना था तो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट था उधर की तरफ गया. लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और इमिशन होने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तब उसको ये डिसाइड करना है किधर जाना है. तो अगर हम देखें, अगर इसकी पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आना चाहेगा. ठीक है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है तो ऑब्वियस बात है इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन मिलेगा. तो उसके बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इमिशन, इस इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन हुआ, इस लाइट से कुछ एनर्जी मिला है, जो भी रेडिएशन है इससे कुछ एनर्जी मिला है, उस एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसके रिपल्सन के बावजूद भी, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, सपोज हमें सामने से कोई रिपेल कर रहा है, ठीक है, सामने से रिपेल कर रहा है लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो मैं उस रिपल्सन के बावजूद भी उस थोड़ा आगे तक तो जाऊंगा ही. ठीक है, तो उसीलिए इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करता है, लेकिन आगे की तरफ मूव करते करते यहाँ तक पहुँचता है. तो एनर्जी, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा निकला जिसके पास कम एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहीं तक जाएगा. अगर कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, कम एनर्जी से निकला है तो यहीं से वापस लौटेगा रिपल्सन के कारण, कुछ यहीं से वापस लौटेगा. ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, बिल्कुल सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो होगा, वो एकदम से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर आएगा, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा. तो ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे तक पेनिट्रेट करता हुआ जाएगा, लेकिन फर्दर मान लेते हैं कि ये भी फाइनली यहाँ से रिपेल हो जाता है, वापस लौट जाता है. तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, कलेक्टर प्लेट का वो निगेटिव पोटेंशियल जिस पे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी उस तक ना पहुंचे. ठीक है, कलेक्टर प्लेट का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी उस तक ना पहुंचे, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल. आई होप कि समझ में आया. सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसका भी रिपल्सन हो जाए तो इसका वो पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे. अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ है, आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे इस ग्राफ को, स्टॉपिंग पोटेंशियल का. ये सब एक ही पॉइंट पे है. सपोज दिस इज आई वन, दिस इज आई टू, दिस इज आई थ्री, दिस इज ग्राफ ऑफ फोटो करेंट एंड दिस इज पोटेंशियल.
ठीक है, तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा, इधर माइनस वी नॉट, ठीक है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, अब जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लो मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ इस रेडिएशन का, अब इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे। मैं इंटेंसिटी लाइट का बढ़ा दिया, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज पहले आई इंटेंसिटी था जो कि कम था, मान लेते सपोज कि उस पर 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, अब मैं इंटेंसिटी को डबल करता हूँ तो 200 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, लेकिन उन सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना ही होगा जैसे पहले जो 100 इलेक्ट्रॉन आए थे उनका जो एनर्जी रहा होगा। अब इंटेंसिटी बढ़ाने पे जो सपोज 200 इलेक्ट्रॉन बाहर आए उसका भी एनर्जी उतना ही है, तो क्या वो 200 इलेक्ट्रॉन भी इस तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एनर्जी तो सेम है। अगर इस ये एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो गया तो उसी एनर्जी के साथ अगर कोई दूसरा आता है 10 और आ जाते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी थी, और इधर से 100, 200, 400, 500 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन सबके पास एनर्जी उतना ही है जितना इसके पास था, तो सबका रिपल्सन होगा, ठीक है, सबका रिपल्सन होगा। इट मीन्स व्हाट, अब ग्राफ को समझिए ध्यान से, मैंने इंटेंसिटी लाइट का बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इट मीन्स व्हाट, फोटो करंट का इंक्रीज हुआ। मैं जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, सपोज ये इंटेंसिटी आई वन था, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं आई थ्री ग्रेटर देन आई टू ग्रेटर देन आई वन, पहले कोई आई वन इंटेंसिटी था जिसपे फोटो करंट की कुछ वैल्यू था, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो गया, अब इसका कुछ पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट रहा होगा, उस वी नॉट पे रिपल्सन हो, मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, अब इंटेंसिटी बढ़ाते ही 100 के जगह 200 इलेक्ट्रॉन आया, अब 200 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 200 फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटो करेंट की वैल्यू बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाया तो फोटो करेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब फोटो करेंट की वैल्यू तो बढ़ा लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना ही है, मतलब वो रिपल्सन होगा, तो उतने ही पोटेंशियल पे इसका वही पोटेंशियल उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। इसलिए देखिए जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ फोटो करंट बढ़ रहा है, बट पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने की जरूरत नहीं है उतना ही, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा उस पार्टिकुलर इंटेंसिटी पे वो सबका सब का रिपल्सन होगा। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ आया होगा, आप एक बार एनसीईआरटी में भी ग्राफ देखेंगे, सिमिलर ग्राफ आपका दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब भी हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके, अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ फोटो करेंट बढ़ेगा, फोटो करेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट एनर्जी विल रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा लेकिन हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना ही होगा, क्लियर ये बात, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा उल्टा देखते हैं, अब अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस एक और ग्राफ अपने एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं इसको मिटाता हूं, एक और ग्राफ को मैं आपको समझाता हूं। अब अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, सपोज अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होगा, अब इसको भी ध्यान से समझेंगे। जब अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, बट एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जब भी अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, अब इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे अपन लाइट को, अब लाइट का क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा, क्योंकि 10 था तो अभी भी 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बट हर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी, सपोज पहले फ्रीक्वेंसी कोई F1 फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन था जिसपे 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे E1 एनर्जी से, F1 फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन पे 10 इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी के साथ बाहर आ रहे थे। मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ और F2 करता हूँ, जैसे ही F2 मैंने किया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाता है E2, फ्रीक्वेंसी बढ़ते इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, मतलब यहाँ से बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन अब और तेज आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं और फिगर से समझाता हूँ आपको, तो होप आपको समझ आ रहा हो कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ा। अब ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी से आ रहा था यहाँ पे, तो ये कुछ पोटेंशियल V0 था जिसपे इसने इसको रिपेल कर दिया, यहाँ से मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आके वापस आ गया। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये यहाँ से जस्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आया, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ा सा और एनर्जी होता तो ये इस तक पहुँच सकता था, ठीक है। तो वैसी स्थिति में अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा दूँ तो ये इस तक पहुँचेगा,
और हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस तक पहुंचने से रोकना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाता हूं तो मुझे इसका निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां से लौट आया। अब इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा तो इस तक पहुंच सकता था, तो इस तक पहुंच एनर्जी मैंने इसको बढ़ाया तो अब इसको भी अपने निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जाके रिपल्सन करेगा। इसकी एनर्जी और बढ़ाता हूं, और बढ़ाता हूं तो इसको भी अपने निगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ताकत, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो तो इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ रही है तो इसको भी अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, और निगेटिव करना होगा चूंकि निगेटिव पोटेंशियल की बात चल रही है। तो ऐसे में फिर इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। तो अगर इसका ग्राफ अपन समझें, तो मैं ग्राफ बनाता हूं इसका। दिस इज अगेन फोटो करंट एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज वी नॉट। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, अब फ्रीक्वेंसी पे मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे जैसे बढ़ाया, 10 इलेक्ट्रॉन था तो अभी भी 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, बट विथ मोर एनर्जी। ठीक है, इंटेंसिटी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। तो इन फ्रीक्वेंसी, एक स्टेटमेंट ध्यान रखें, अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज वी नॉट 1 था। ठीक, मैंने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया बट इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा, इट मींस व्हाट, फोटो करंट, इलेक्ट्रॉन जितना पहले था अब भी उतना ही है। इसका मतलब क्या होता है कि अब फोटो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रहा, फोटो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, मतलब इट्स ग्राफ विल माइनस वी वन माइनस वी जी नॉट टू। समझिए इसका मतलब क्या है, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, इसको भी अपनी निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ा, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा, नेगेटिव पोटेंशियल और नेगेटिव हुआ। बट ये ग्राफ सब एक ही साथ क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहले भी 10 इलेक्ट्रॉन था, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब फोटो करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए फोटो करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाता हूं मैं, माइनस वी नॉट थ्री। तो आई होप कि आपको समझ आया, मेरी लाइन ये फिर से सुनो, जब अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम बट द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ओके, एंड दो स्टेटमेंट, अब हमने क्या सीखा इन दोनों ग्राफ से, क्या समझा ये दोनों ग्राफ से, ये समझा कि यहां मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है बट एनर्जी सेम रहता है, लिख भी लेना हो सके तो आप, ये एनर्जी सेम रहता है इसलिए इसको रोकने के लिए फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहा, मतलब करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पे थोड़ा सा ग्राफ अलग जा रहा है, थोड़ा सा इसको साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ को देख लेंगे ऐसे। ठीक, वो करंट का वैल्यू यहाँ सेम रहेगा सबका। तो जब भी मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको उसके अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी बढ़ जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो आई होप कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट और दोनों ग्राफ क्लियर हुआ। तो जो भी आपको काम का लगे इससे आप नोट कर सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट करें, मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। मेरे दोनों स्टेटमेंट को लिख लेना जो मैंने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में बताया आपको। अब बात आती है, एक और टर्म होता है अपने एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन दो टर्म का क्या मतलब है, अब ये समझे कि सपोज अपना एक मेटल प्लेट है। ठीक है, ये मेटल प्लेट है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इस तरह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो इस पे सपोज कोई रेडिएशन फॉल करता है, ठीक है, कोई रेडिएशन फॉल करता है जिसकी इंटेंसिटी आई है, फ्रीक्वेंसी एफ है। ठीक है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर ही है, मैंने अभी बताया आपको। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस इंटेंसिटी के लाइट पे और इस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन लाइट पे ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो ही जाए, दिस इज नॉट नेसेसरीली कंपल्सरी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, इलेक्ट्रॉन के इमिशन होने के लिए लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो। मैंने कोई भी रेडिएशन दिया और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होप आप समझ रहे हो। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का जिस पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो, उसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर सपोज इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए फ्रीक्वेंसी F2 चाहिए, सपोज F2 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए, और मैंने जो लाइट की फ्रीक्वेंसी दी वो F2 से छोटा है, समझना मेरी बात को। मैंने मेटल प्लेट लिया, उस पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए एक F2 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की जरूरत थी। मैंने जो लाइट इंसिडेंट रेडिएशन फॉल कराया इस पर, उसकी फ्रीक्वेंसी F2 से कम है, तो इस पर क्या इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको बाहर आने के चाहिए F2 और मैं उससे कम दे रहा हूं, ठीक है। तो हमें या तो फ्रीक्वेंसी को, जो इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है F, उसको F2 से ज्यादा होना पड़ेगा या एटलीस्ट इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन का वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल्स के लिए अलग अलग होगा, है ना। जैसे कोई मेटल है, किसी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है, ठीक है, लूजली बाउंडेड है मतलब वो वीकली बाउंड अट्रैक्टेड है अपने न्यूक्लियस से, तो उसको थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मिलेगा, एकदम से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। कोई ऐसा मेटल है अपने पास जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, मतलब उसे बाहर निकालने के लिए हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फॉल कराना होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हर मेटल का फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। अब एक और ग्राफ आपके NCERT में मेंशन है, मैं NCERT की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए NCERT बुक्स बहुत कंपलसरी है, और मेरा जो भी कोर्सेज है, जैसे अभी मैं मॉडर्न फिजिक्स का कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर तक डालूंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी डाल दूंगा, क्योंकि CBSE बोर्ड से तो कम्युनिकेशन सिस्टम हट गया है, बट कुछ स्टेट्स बोर्ड में अभी भी आता है, तो मैं कम्युनिकेशन सिस्टम तक अपलोड करूंगा वीडियो आपका। तो NCERT पढ़ना कंपलसरी है, और NCERT के एटलीस्ट एडिशनल से पहले का क्वेश्चन एडिशनल बना ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो NCERT एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है, एडिशनल से पहले तक का क्वेश्चन तो एकदम कंपलसरी क्वेश्चंस है, उसको तो आपको एनीहाउ करना ही है, एडिशनल करते हैं तो और भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। और NCERT टेक्स्ट बुक को आप रीड करने की थोड़ी हैबिट डालें, अभी बोर्ड एग्जाम्स में आपका टाइम है, और मॉडर्न फिजिक्स अच्छा खासा वेटेज कवर करता है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आसानी से बनते भी और कम्प्लीटली भी आसान होता है, क्योंकि थियोरेटिकली होता है, हालांकि इजी सब है, लेकिन पार्ट वन के कंपैरिजन में जैसा कि स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है, दिस टॉपिक्स आर मोर ईजियर, ठीक। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा इस पर, ठीक है, आपके एग्जाम्स तक। मैं इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह तो मैं पिछले साल अपलोड किया ही हूँ, इस बार भी करूँगा, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट ईयर के लिए था वही इस ईयर के लिए है, उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो देखते हैं, आप वापस टॉपिक पर आते अपन। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो सपोज दो मेटल है, मेटल ए और मेटल बी, मेटल ए एंड मेटल बी। मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, मेटल बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाए, तो मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब ये यहाँ तक क्या है, जैसे यहाँ तक रेडिएशन फॉल कर रहा है, देखिए पहले मैं बना देता हूँ ग्राफ, अब इसका मतलब क्या है, दिस इज मेटल ए एंड दिस इज मेटल बी। मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है मतलब इसके कंपैरिजन में लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवा जाएगा। तो लाइट का रेडिएशन फॉल किया, थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे ही उसको मिला, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिला, इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मेटल बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था, मतलब मेटल बी का इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था, तो उसको थोड़ा टाइम लगा अपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुँचने के लिए, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद वो फिर से उसका भी मिशन स्टार्ट हुआ। तो ये भी आपका दिया हुआ है NCERT में, आप डुअल नेचर के जो चैप्टर है उसके सेकेंड थर्ड पेज पे आपको ये ग्राफ दिख जाएगा, वहीं पे 4-5 पॉइंट्स वाइज लिखा है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा दिया है, और चैप्टर में आप देखेंगे तो बहुत सारे थ्योरी जो है ना NCERT में ही पॉइंट्स वाइज लिखा है, तो आप उस पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं हर उस पॉइंट को एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ, आप उसको वहाँ से नोट्स के लिए आप उससे वहाँ पे पढ़ें, NCERT बुक से पढ़ें, जो पॉइंट वाइज दिया है हर टॉपिक में उसको स्पेशली ध्यान दें। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ हो। अब अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं सॉरी, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, उन्होंने क्या बताया था इन सब चीज़ों के बारे में, वो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। हालांकि इसके बारे में मैं लास्ट ईयर भी वीडियो डाल चुका हूँ, आप चैनल में देखेंगे तो मिल जाएगा, बट स्टिल मैं फिर से उसका वीडियो बना देता हूँ ताकि एक कंटिन्यू सीरीज अपना चलता रहे, लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके ऐसा करके। तो लेक्चर 3 में अपन आइंस्टाइन के बारे में समझेंगे, तो 5 वीडियो में मैं कंक्लूड कर दूंगा इस पूरे चैप्टर को, तो ये दूसरा है। थर्ड वीडियो में मैं आइंस्टाइन की थ्योरी बता दूंगा, फोर्थ वीडियो जो आएगी अपनी उसमें मैं बेस पिक्चर ऑफ मैटर बता दूंगा, देन फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इंपॉर्टेंट। तो 5 वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को कंक्लूड करूंगा, तो आप इसको नोट कर ले अच्छे से, एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़े, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।